माता कूष्मांडा देवी। आइए भक्तगणों, श्री कूष्मांडा देवी की कथा शुरू करें। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से अवहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था सज्जनों, चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईषद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा ब्रह्मांड की आदि शक्ति है। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान और भास्वर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी एवं देवता इनके तेज और प्रभाव की क्षमता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी आठ भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से विख्यात हैं। इनके सात हाथों में क्रमशः कमंडलु, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। आठवें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कूष्मांड कुम्हेड़े को कहते हैं। बलियों में कुम्हेड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी ये कूष्मांडा कही जाती है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन माता कूष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। और इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कूष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ श्री दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अरहनिश अग्रसर हों। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से
भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। जय माता कूष्मांडा देवी की।